और आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7 पे चलते हैं। सो नंबर 7, नाउ द हेडिंग इज द केस ऑफ अ प्लास्टिक टॉय इनसाइड बकेट। सो किसे रिजल्ट याद है? व्हाट इज द अपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी? हाँ जी, व्हाट इज, यस, जीरो। हाँ जी, व्हाट इज अपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी? जीरो। सो आपको याद होगा कि लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, आप एक स्विमिंग पूल में हैं जिसमें एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है। आप उस लकड़ी के टुकड़े के जस्ट नीचे अपना हाथ रखिए, यू विल फील इट इज ऑलमोस्ट वेटलेस। उस पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो है, अपरेंट वेट जीरो है। सो विद दिस ब्रिलियंट आइडिया इन माइंड, सपोज आप गांव में, किसी गांव में गए, यू सी कि एक आदमी जो है अभी अभी किसी गाय या भैंस का दूध निकालकर घर जा रहा है, और उसके एक हाथ में है वो बकेट फुल ऑफ मिल्क, ऑलमोस्ट फुल ऑफ मिल्क। साथ में थोड़ा सा मॉडर्न व्यक्ति है, दूध के साथ चिप्स खाता है। साथ में येलो कलर के पैकेट में लेज के चिप्स हैं, होते हैं ना एक येलो कलर के जो बड़े टेस्टी होते हैं। सो द फैक्ट इज कि आपने इस व्यक्ति को कहा कि अरे आप तो वैसे ही मेहनत कर रहे हो, ये जो चिप्स आपने दूसरे हाथ में पकड़ा है, आप इतना फोर्स लगा रहे हो, इस चिप्स को दूध की बाल्टी के ऊपर रख दो, पैकेट बंद है अभी। तो जब ये फ्लोट करेगा, इसका अपरेंट वेट जीरो और आपके लिए फायदे का सौदा है। अगर आप इधर फोर्स लगा रहे थे इसे होल्ड करने के लिए F1, इधर F2, अब आपको सिर्फ F1 फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि चिप्स तो वेटलेस हो गए आपके रिस्पेक्ट में। इज दिस लॉजिक करेक्ट या कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, फ्लोटिंग बॉडी का अपरेंट वेट जीरो होता है, यह बात तो क्लियर है। क्या यह लॉजिक सही है या कुछ कुछ टेक्निकल ग्लिच रह गया? क्योंकि देखिए, अगर यह लॉजिक सही है तो फिर मेरे पास फ्री में भारत भ्रमण करने का एक सुपर डुपर हिट प्लान है। व्हाट यू कैन डू इज, यू सी, कई जगह पानी की कमी होती है, तो वाटर टैंकर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं पानी लेके। सो यू कैन कॉन्टैक्ट अ म्युनिसिपैलिटी एंड यू कैन से कि हेलो, आपका वाटर टैंकर जा रहा है, मैं भी उसमें तैरते हुए जाऊंगा, तो आई विल बी अ फ्लोटिंग बॉडी, मेरा अपरेंट वेट तो जीरो होगा, आपके व्हीकल के इंजन पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो पड़ा नहीं, आपका तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ नहीं, सो मैं आपको पैसे भी नहीं दूंगा। इज दैट अ गुड लॉजिक? हाँ जी, ऐसे तो वाटर टैंक के टैंक में कोई भी वाटर से कम डेंसिटी वाली चीज जितना मर्जी उसमें लाद दीजिए क्योंकि अपरेंट वेट तो जीरो है। इज दैट अ गुड लॉजिक? लेवल की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि क्या इस पर्सन को दोनों को उठाने के लिए सिर्फ F1 फोर्स ही लगाना पड़ेगा? हाँ जी, देयर इज वन सिंपल पॉइंट वी आर मिसिंग, और वो ये कि नहीं, अगर ये वाटर के बकेट में इस चिप्स को प्लेस कर देता है तो वी आर नॉट दैट मच कंसर्न विद द लेवल, वी आर कंसर्न विद कि पर्सन को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। आंसर इज, अब भी से वही टोटल फोर्स F1 प्लस F2 लगाना पड़ेगा जो कि ये पहले अप्लाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ रिकॉल कीजिए, ये जो चिप्स का पैकेट है जो बकेट में मिल्क के ऊपर तैर रहा था, हाँ जी, इसके वेट को बैलेंस कैसे किया गया? वाटर ने इस पर
अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ अपथ्रस्ट बाय न्यूटन्स लॉ। क्या ये चिप्स का पैकेट भी वाटर पर इक्वल बट ऑपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा? डेफिनेटली, isn't it? So you can conclude कि जब आप बाल्टी में चिप्स का पैकेट ले जा रहे हैं, अब बाल्टी का अपरेंट वेट F1 plus F2 हो गया, भले ही चिप्स का जीरो है, तो आपको नेट फोर्स तो वही F1 plus F2 अप्लाई करना पड़ा, isn't it? हाँ जी, बात क्लियर हो रही है। सो कैच क्या है, हम पहले क्या मिस कर रहे थे? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। एंड सो वी कंक्लूड दैट बाय प्रीवियस पॉइंट नंबर, एक मिनट, पॉइंट नंबर 7, प्लास्टिक टॉय इनसाइड बकेट। सो लेट अ पर्सन कैरीज अ बकेट फुल ऑफ वॉटर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये जो बकेट प्लस वॉटर सिस्टम है, इनका कंबाइंड वेट है W1। ही इज कैरिंग दिस इन वन हैंड एंड अ प्लास्टिक टॉय ऑफ वेट W2 इन अदर हैंड। यानी फिलहाल उस पर्सन को सिर्फ इन दोनों चीजों को मात्र कैरी करने के लिए दोनों हाथों से मिलाकर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, W1 प्लस W2। सो व्हाट डज ही डू देन, इफ ही पुट्स द प्लास्टिक टॉय इनसाइड वॉटर, एज्यूमिंग कि ये फ्लोट करता है, एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट पर, क्रूशियल चीज क्या है कि बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन बकेट डाउनवर्ड्स। और इसीलिए हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं कि द कंबाइंड वेट ऑफ सिस्टम इज स्टिल W1 प्लस W2। तो टॉपिक थ्योरेटिकल सा है, लेकिन न्यूमेरिकल टच भी इसमें मौजूद है। और आप बुक से क्वेश्चन ट्राई करते हुए देखेंगे कि ये चीजें इवेंचुअली आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी, जो बहुत इजी से न्यूमेरिकल इस थीम पे बनते हैं।
हाँ जी डन आई गैस समथिंग टू आस्क एनी सस्पेंस। तो एक चीज आप देख रहे हैं लगातार आर्किमिडीज प्रिंसिपल कॉमन सेंस को धोखा दे रहा है, इजंट इट? बड़ा ऑब्वियस नहीं था ये आंसर। जस्ट लाइक जो आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था बट वो लास्ट क्लास में डिस्कस करना ध्यान ही नहीं रहा कि अगर आपके पास एक बिल्कुल परफेक्ट तराजू है एकदम सेंटर पर इसके वो सपोर्ट है, दोनों तरफ बीम लेंथ्स भी इक्वल हैं, यू आर होल्डिंग दिस सपोर्ट इन योर हैंड, एक तरफ तो आपने रखा हैप्पी बर्थडे का बलून अनइन्फ्लेटेड बिना हवा भरे और दूसरी तरफ आपने रखा बलून बट उसमें हवा भी भर दी है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, हाँ जी आई एम होपिंग कि घर से सबने सोच लिया होगा कौन सी साइड हैवी होगी या फिर क्या दोनों तरफ इक्वल वेट डिटेक्ट करेगा बीम बैलेंस। ओके सही बात है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? इक्वल। लेकिन कैसे? एज्यूमिंग कि अनइन्फ्लेटेड बलून का वेट है डब्ल्यू, तो दूसरी तरफ ये जो बलून है जिसमें अब हवा भरी हुई है इसका वेट W तो है ही, साथ में अगर इसमें एयर का वॉल्यूम है V तो उतने का वेट कितना हो गया रो एयर VG। हाँ जी सही लिखा है। लेकिन क्योंकि सराउंडिंग मीडियम क्या है एयर, इसी वजह से इस पे इवन अप थ्रस्ट भी कितना एक्ट करेगा V रो एयर G। हाँ जी ये दोनों टर्म्स इक्वल बट ऑपोजिट, यानी इफेक्टिव वेट फिर से कितना W, isn't it? So if you ask a common man, he will say कि इसमें क्या दिमाग लगाने की बात है, खाली गुब्बारे के बजाय तो भरा हुआ भारी होगा, isn't it? But once again Archimedes principle से जो आंसर आते हैं एकदम ऑब्वियस नहीं होते।